हेलो स्टूडेंट्स, रैंकर्स बज में आपका स्वागत है। आज एनालॉजी एक टॉपिक लेके मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। तो सबसे पहले मैं एनालॉजी के बारे में डिस्कस करूँगा। एनालॉजी होता क्या है, उसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। एनालॉजी, एना प्लस लॉजी। एना मींस इंफॉर्मेशन, एना मीन्स इंफॉर्मेशन एंड लॉजी मीन्स रिलेशन। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर हम रिलेशन डेवलप करते हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम एनालॉजी है। अगर हम इसके हिंदी को देखें तो हिंदी में इसे सादृश्य कहा जाता है। सादृश्य, सा मतलब समान और दृश्य मतलब दृश्य, यानी जो लुकिंग होती है, यानी समान दृश्य वाला। तो समान दृश्य, दृश्य को समान बनाने के लिए दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए, तभी दृश्य समान होगा। तो इसकी हिंदी है सादृश्य। इससे रिलेटेड प्रश्न पर जब हम चर्चा करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, इसके फॉर्मेट के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा। पूरा फॉर्मेट अगर आप देखें तो एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो 6 फॉर्मेट में होते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा ए रेशियो, बी प्रोपोर्शन, सी रेशियो, डी। ये कंप्लीट फॉर्मेट है। अब ये कंप्लीट फॉर्मेट को अगर हम रीड करें तो रीडिंग स्टाइल क्या है उस पर थोड़ा ध्यान दें। ए इज टू बी एज सी इज टू डी। हम इसे ऐसा भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार बी ए से रिलेट है उसी तरह डी सी से रिलेट होगा। यहां पर आपने देखा रिलेशन और फ्लो ऑफ रिलेशन। क्वेश्चंस को जब देखेंगे तो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा दिया रहेगा, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन, सी रेशियो इंट्रोगेशन मार्क। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि डी के प्लेस पर एक इंट्रोगेशन मार्क पुट किया गया है और इस डी के प्लेस पर जो आपको ऑब्जेक्ट फिलअप करना है इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट हाफ में ए और बी के बीच रिलेशन डेवलप करना है कि हाउ बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ए का नेचर और बी का नेचर और इन दोनों का नेचर आपस में कैसे रिलेट कर रहा है, इसको एनालिसिस करने के बाद आप सेकेंड हाफ में आएंगे और सेकेंड हाफ में आपके पास जो इंट्रोगेशन है वो डी के प्लेस पर है, इसलिए फिर वापस आप फर्स्ट हाफ में जाओगे और रिलेशन का फ्लो ए टू बी
यानी ए से बी की ओर डेवलप करोगे, क्योंकि मुझे डी फाइंड आउट करना है तो रिलेशन सी से डी के तरफ होगा। टाइप सेकंड को अगर हम लेते हैं, जैसे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन, सी के प्लेस पर अगर मैंने इंट्रोगेशन पुट किया रेशियो डी, तो अगेन आपने देखा कि सेकंड हाफ में इंट्रोगेशन मार्क है और ये इंट्रोगेशन सी के प्लेस पर है। तो अब आप इस इंट्रोगेशन के प्लेस पर जो ऑब्जेक्ट फिलअप करेंगे, वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा ए और बी के बीच जो रिलेशन है, सेम रिलेशन को मेंटेन करते हुए सी और डी भी होगा, तभी ये सादृश्य यानी समान दृश्य डेवलप कर पाएगा, यानी रिलेशन समान होगा और तब ये एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस के नेचर को फॉलो करेगा। तो इस बार आपको इन दोनों के बीच रिलेशन को एनालिसिस करने के बाद रिलेशन का फ्लो को जो मेंटेन करना होगा वो बी टू ए, यानी आपको ये चेक करना होगा हाउ ए इज रिलेटेड टू बी इन द सेम वे सी विल बी रिलेटेड टू डी। लेकिन फर्स्ट वाले नेचर में आपको ये देखना था कि हाउ बी इज रिलेटेड टू ए इन द सेम वे डी विल बी रिलेटेड टू सी। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं इस फ्लो ऑफ रिलेशन को आप समझेंगे। सबसे पहले आपने देखा क्या, एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी के साथ बनाने के लिए हम दो चीज पर, जो मेन टू पॉइंट है उस पर फोकस करते हैं। एक रिलेशन, फर्स्ट क्या है, रिलेशन, बिकॉज एनालॉजी, लॉजी का मतलब ही रिलेशन होता है, और दूसरा है फ्लो ऑफ रिलेशन, फ्लो ऑफ रिलेशन। एग्जाम्पल देखेंगे रिलेशन और फ्लो ऑफ रिलेशन को। मैंने एक एग्जाम्पल यहां लिखा क्वेश्चन नंबर वन देकर, ये क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें मैंने यहां लिखा बुक, ए के प्लेस पर आपने देखा बुक रिटन है और बी के प्लेस पर पेज। बीच में प्रोपोर्शन का साइन होता है। अभी सी के प्लेस पर मैंने फ्लावर लिखा, और डी के प्लेस पर इंट्रोगेशन। तो यहां आपको ये देखना है कि ए जो बुक है और बी जो पेज है, ये आपस में कैसे रिलेट है। तो आपने देखा पेज इज द पार्ट ऑफ बुक, पेज क्या है, बुक का एक पार्ट है। मैंने अपना रिलेशन का फ्लो बुक से पेज की तरफ किया, पेज बिकम पार्ट ऑफ बुक। फिर मैं सेकंड हाफ की तरफ मूव करूंगा, पेज जिस प्रकार बुक का पार्ट है उसी तरह फ्लावर का पार्ट क्या होता है। तो फ्लावर का पार्ट कोई प्लांट नहीं होगा, लीफ नहीं होगा, ब्रांचेस नहीं होंगे, रूट नहीं होगा, स्टेम नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा। तो फ्लावर का पार्ट क्या होता है, पेटल्स। तो यहां जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पेटल्स, है ना। देखेंगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को, अगर आप देखते हैं, मैं टर्म जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया बुक पेज फ्लावर
सेम टर्म यूज करूंगा, लेकिन इन ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है वो चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां बुक, ये लिखा मैंने पेज, प्रोपोर्शन। अब सी के प्लेस पर मैंने इंट्रोगेशन पुट किया है रेशियो, और डी के प्लेस पर मैंने फ्लावर रखा। अब आप देखेंगे यहां फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्या था, बुक पेज फ्लावर, सेकंड क्वेश्चन में भी बुक पेज फ्लावर है, लेकिन ये जो वेरिएबल यूज किया गया है ए एंड बी में ये तो सेम है, लेकिन यहाँ सेकंड हाफ में जो वेरिएबल मैंने फ्लावर यूज किया वो डी के प्लेस पर रखा और सी के प्लेस पर मैंने इंट्रोगेशन मार्क पुट किया। तो यहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, कौन सा नेम आएगा, ये डिपेंड करता है फर्स्ट हाफ पर। और यहाँ मुझे सबसे पहले बुक और पेज के बीच में रिलेशन को देखने के साथ साथ फ्लो ऑफ रिलेशन को मेंटेन करना होगा। तब मैं ये एनालिसिस करता हूं कि नंबर ऑफ पेजेस मिलके क्या बनता है, तो बुक बनता है। तो नंबर ऑफ पेजेस मिलके बुक बना, तो नंबर ऑफ फ्लावर से मिलके क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन एग्जामिनर देगा आपको, एक देगा रोजरी और दूसरा देगा बुके। तो दोनों फ्लावर नंबर ऑफ फ्लावर को मिला के बनता है, रोजरी मतलब माला मींस, और बुके मतलब गुलदस्ता। लेकिन चूंकि आप क्या कर रहे हैं, दिस टॉपिक इज एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब क्या है, सादृश्य, जो सबसे करीब हो। तो माला जो है वो फ्लावर को छोड़कर बहुत सारे अनेक ऑब्जेक्ट का बनता है, मेटल का भी हो सकता है, एलिफेंट के टिथ से भी बनता है, टेराकोटा का बनता है, कई चीजों का माला बन सकता है। लेकिन गुलदस्ता, बुके, वो आर्टिफिशियल फ्लावर हो या नेचुरल फ्लावर हो, वो फ्लावर का ही कलेक्शन है और वो बुके का फॉर्मेशन करता है। तो जिस तरह नंबर ऑफ पेजेस मिलके बुक बना, उसी तरह नंबर ऑफ फ्लावर मिलके क्या बना, बुके। तो आपने देखा कि क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड में दिए गए वर्ड में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन वर्ड का प्लेस चेंज हुआ तो फ्लो ऑफ रिलेशन बदला, जिसके कारण दोनों क्वेश्चन का आंसर डिफर कर गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता है और यहाँ एरर करता है, इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे और इससे रिलेटेड कोई भी एरर नहीं करेंगे। एनालॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज, एक और भी पॉइंट आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि एनालॉजी में जो क्वेश्चन का नेचर होता है या क्वेश्चन के टाइप को जो हम क्लासिफाइड करते हैं, वो थ्री टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप जो वोकैब, दैट मींस वर्ड पर बेस्ड होता है। सेकंड जो है वो किस पर बेस्ड होता है, जैसा कि वर्ड पर बेस्ड मैंने आपको दिखाया। सेकंड लेटर बेस्ड होता है, अल्फाबेट, ठीक है, लेटर्स से रिलेटेड होगा, अंग्रेजी अल्फाबेट से। और थर्ड जो टाइप है वो नंबर से रिलेटेड होगा, है ना। तो अब आपने देखा एक वर्ड बेस्ड, लेटर्स बेस्ड और नंबर बेस्ड, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का नेचर, अगर लेटर बेस्ड होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर देना चाहूंगा, एम ओ ए के प्लेस पर मैंने पुट किया,
प्रपोर्शन रेशियो एम ओ रेशियो 13:11 प्रपोर्शन एच जे रेशियो इंट्रोगेशन। तो अब आप देख रहे हो ऑप्शन में इसमें देना चाहूंगा आपको ऑप्शन ए 8:10 ऑप्शन बी 8:17 ऑप्शन सी 18:16 ऑप्शन डी 16:18। आपने देखा ए के प्लेस पर लेटर्स हैं बी के प्लेस पर नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 लेटर है उसका प्लेस वैल्यू लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट ये प्लेस वैल्यू आपको जानना है एवरी लेटर का। ओ लेफ्ट से 15 है एंड ओ राइट से 12 है। तो आपको लेटर का प्लेस वैल्यू देखेंगे एम लेफ्ट से 13 है एम लेफ्ट से क्या है 13 है ये एम राइट से जब आप देखते हो तो ये एम राइट से 14 है। जनरली बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा और आंसर ए देगा बट इट इज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज एम इज 13 बट ओ इज 15। यहां ओ के लिए 11 पुट किया गया है एच इज 8 एंड जे इज 10 फ्रॉम लेफ्ट हैंड लेकिन ओ 15 है लेफ्ट से और के लिए 11 है। तब आपने देखा जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया है देखिए राइट से ओ क्या है 12 है और राइट से एम क्या है वो 14 है। वो क्या है 14 है ना राइट से एम 14 है। तो अगर राइट से एम 14 है तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके 13 हम बना सकते हैं और 12 ओ की प्लेस वैल्यू है फ्रॉम राइट एंड से तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके 11 बना सकते हैं। अब सेम रिलेशन एच और जे के बीच में भी डेवलप करना है तो एच का राइट हैंड से जो प्लेस वैल्यू है वो 19 है और 19 होने के कारण अगर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 हो जाएगा। जे राइट हैंड से 17 है और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके आप 16 तो आपका आंसर क्या होता है सी। तो यहाँ आपने जो मेन पॉइंट था आपका वो ये था कि लेटर्स का प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड मेमोराइज कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस पर काम कीजिए। लेटेस्ट मैं आपको बता दूं कि अभी एक एग्जाम कंडक्ट हुआ है जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस एवरी कंपटीशन में पूछे जाते हैं लेकिन रिसेंटली अभी एक एग्जाम हुआ है। इस एग्जाम में एक नया चीज देखने को मिला वो ये है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर हैं और इस 26 लेटर को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है कॉन्सोनेंट एंड वावल। तो वावल की संख्या कितनी है 5 जैसा कि हम सभी जानते हैं ए ई आई
O-N-U. एनालॉजी में जब अल्फाबेट का यूज किया जाता है तो इस बार की एग्जाम में, अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है उसमें ए एज ए कॉन्सोनेंट और एज ए वावल, ए की प्लेस वैल्यू लेफ्ट से 1 है, ई लेफ्ट से 5 है, लेकिन अगर ए ई आई ओ यू को एक ग्रुप ऑफ वावल के रूप में देखते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की 3 हो जाएगी और ओ का 4 और यू का 5। ये तो लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो यू बिकम 1, ओ बिकम 2, आई इज 3, ई इज 4 एंड ए इज 5। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि ऐसा भी रिलेशन यहां मेंटेन करके क्वेश्चंस को पुट किया जा रहा है, तो वहां आप कंफ्यूज ना हो ई को 5 के रूप में, ई का प्लेस वैल्यू आइदर 2 और 4। अगर इसका प्लेस वैल्यू लेफ्ट से देखना चाहेंगे तो 2, राइट से देखना चाहेंगे 4। अगर ये इंडिविजुअल वॉवल के रूप में यूज हो रहा है तो आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस बनाने के समय में। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और ये है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी की जब बात करेंगे आप, तो आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज करता है इन क्वेश्चन में। मैंने एक क्वेश्चन दिया 4:9 प्रोपोर्शन 25:what। एक प्रिकॉशन इसमें ये लेना है, कॉशन है, एक कंडीशन है यहाँ पर कि जनरली बच्चा इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करके इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देना चाहेगा तो वो रॉन्ग मेथड है। एनालॉजी और मैथमेटिकल ऑपरेशन बोथ आर डिफरेंट। कुछ बच्चा ऐसा करता है कि ये 4 है, 9 प्रोपोर्शन 25:what के जगह पर एक्सपुट करता है और इसे 4:9 प्रोपोर्शन 25x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और फिर ये 4x इज इक्वल टू 25 × 9 एंड x इज इक्वल टू 25 × 9/4 और x की वैल्यू फाइंड आउट करता है। ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन, जब मैथ्स आप बनाते हो तो इस तरह की कैलकुलेशन को फॉलो करते हो। यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 4 किस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, a के प्लेस को, और x d के प्लेस को। तो a फर्स्ट हाफ का फर्स्ट प्लेस है और d सेकेंड हाफ का सेकेंड प्लेस है, इनके बीच में रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन अगर डेवलप करना चाहते हैं आप तो ए का नेचर सी के नेचर के जैसा हो सकता है, क्योंकि ए फर्स्ट हाफ का पहला प्लेस है और सी सेकेंड हाफ का पहला प्लेस है, तो सादृश्य है, लॉजी रिलेशन। ऐसा रिलेशन आप सेटअप कर सकते हो 4 का 25 से एंड 9 का इंट्रोगेशन डी के प्लेस से। लेकिन यहां पर जब आपने देखा कि ए एंड डी को मैच कर दिया आपने एंड बी एंड सी को, इसलिए ये मेथड रॉन्ग है। अब आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 51, सी ऑप्शन है 36, डी ऑप्शन है 126 एंड
ई ऑप्शन है 49। अब आप देखोगे कि यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें कि कौन सा सुटेबल ऑप्शन है। तो आप देखोगे ये ए है, अगर मैंने ए को एज ए फोर लिया तो फोर को टू से मल्टीप्लाई किया, फोर टू ज़ा एट और प्लस वन किया तो नाइन हो गया, 25 टू ज़ा 50 और प्लस वन तो 51 हो गया। तो आपको लगता है बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन आपने फर्स्ट हाफ में मेंटेन किया, सेम अरिथमेटिक कैलकुलेशन अगर आप सेकंड हाफ में मेंटेन करते हो तो एनालॉजी की अकॉर्डिंग टू आप सही हो, तो 51 आंसर होना चाहिए। अभी आप देखेंगे 30, तो 4 में 5 इंक्रीज कराओ 9 हो जाएगा, और 25 में 5 इंक्रीज कराएंगे आप तो 30 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है। 36 को अगर हम चेक करना चाहें तो 4 को अगर मैं 2 का स्क्वायर मानूं, बेस में 1 का इंक्रीमेंट कर दूं तो 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 है। तो सी को अगर मैं बेस 5 मानूं तो ये 5 का स्क्वायर है, 1 इंक्रीज करा के 6 का स्क्वायर 36, ये भी आंसर दिख रहा है, वेरी गुड। अगर आप देखते हैं कि इसे मैंने 2 माना बेस, तो ये 2 का स्क्वायर है यानी 4, और फिर मैंने यहां 2 का क्यूब प्लस 1 किया तो 9। सेम कैलकुलेशन अगर सेकंड हाफ में करूं मैं तो ये 5 का स्क्वायर है, और यहां 5 का क्यूब प्लस 1 पुट कर दूं तो 126 हो जाता है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो फर्स्ट हाफ में किया, सेम अरिथमेटिक कैलकुलेशन सेकंड हाफ में कर रहा हूं, तो डी भी सही है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रीराइट करना चाहूंगा, ये 4 है, रेशियो 9, प्रोपोर्शन 25। आप प्राइम नंबर जानते हो, प्राइम नंबर किसे कहते हैं जो इट्सेल्फ और 1 से डिविजिबल हो, तो 2 इज अ प्राइम नंबर, 4 2 का स्क्वायर है, 2 के बाद प्राइम नंबर 3 है और 3 का स्क्वायर 9 है, 3 के बाद प्राइम नंबर 5 है और 5 का स्क्वायर 25 है, 5 के बाद प्राइम नंबर 7 है और 7 का स्क्वायर 49 है, ये भी आंसर हो। अब आप देखेंगे कि प्रायोरिटी हम किसको देंगे, वरीयता क्रम में किसे रखेंगे। तो फर्स्ट रैंकर, अगर मान लीजिए सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपका आंसर 49 है, अगर 49 नहीं मेंशन है तो आपका आंसर 36 है, अगर 36 भी मेंशन नहीं हो तो आपका आंसर 126 है, और उसके बाद इन दोनों को, यानी अगर प्राइम नंबर को सबसे पहले हम ट्राई क्या करते हैं कि एनी आंसर रिलेटेड टू प्राइम नंबर, और नंबर जो एनालॉजी में दिया है वो प्राइम है क्या, तो पहला चेक हमारा ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब हम चेक करेंगे क्या कोई स्क्वायर का रिलेशन है, अगर है तो वो आंसर होगा, अगर स्क्वायर नहीं है तो क्यूब का रिलेशन है तो वो आंसर होगा, यानी ये फर्स्ट रैंकर है, ये सेकेंड रैंकर है, ये थर्ड रैंकर है, ये फोर्थ, दोनों को किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। एक क्वेश्चन में आपको एक और करा देता हूं, आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, 1:1, प्रोपोर्शन 25:1। अभी अगर आपके पास ऑप्शन, इस क्वेश्चन में ऑप्शन 125 एंड बी ऑप्शन
625 है, तो 125 एंड 625 दोनों आंसर हो सकता है। इस क्रम में हम बी को ही सही मानेंगे और ए को रॉन्ग। 125 कैसे है, अगर मान लीजिए इसे मैंने 1 को 1 का स्क्वायर माना और बी में जो 1 है उसे 1 का क्यूब माना, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टू इसकी बेस मैंने 5 मान लिया, तो ये 5 का स्क्वायर है। तो फर्स्ट हाफ में जो कैलकुलेशन आपने किया उसके अकॉर्डिंग टू डी के प्लेस पर 5 का क्यूब होना चाहिए, यानी आंसर ये होना चाहिए, यस। लेकिन अगर हम इसे ऐसा मानते हैं कि ये 1 बेस है और इसमें स्क्वायर करके आपने फिर से 1 बनाया, उस तरह अगर देखें तो ये बेस 25 है और इसमें स्क्वायर करके आप क्या बना रहे हैं, 625, तो आंसर कौन है, 625। तो अब आपको ये क्लियर हो गया जितने टाइप के एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वर्ड से रिलेटेड, लेटर से रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड। मोस्ट डिफिकल्ट नंबर से रिलेटेड है, बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है। लेकिन कभी कभी बच्चा ऐसा भी क्वेश्चन करता है कि सर ऑप्शन तो एक से ज़्यादा सही दिख रहा है, लेकिन वहाँ आप प्रिकॉशन लेंगे, आपको जो मैंने मेथड बताया उसको फॉलो करेंगे और सही आंसर चूज करेंगे, ठीक है। ओके बाय, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।